गुड मॉर्निंग और सभी को साथ में इस वीडियो में वेलकम। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में किसका प्रभाव पड़ता है। यदि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो दो बातों पर आज हम ध्यान देंगे जिसका प्रभाव पड़ता है। पहला है तापमान परिवर्तन का प्रभाव, किस तरह ये तापमान को परिवर्तित करेंगे तो पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है। कोष को जब तापमान हम बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके कणों की गति ऊर्जा, जब ठोस के कणों तापमान को बढ़ाया जाता है तो ठोस के कण की गति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ने लगती है। गति ऊर्जा बढ़ने के कारण उसके कणों के बीच जो ठोस के कण हैं वो आपस में कंपन करने लगते हैं। दी गई उष्मा यदि उसके आकर्षण बल को पार कर जाता है, यदि हम तापमान दे रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं और उष्मा बढ़ा दे रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि वो जो दी गई उष्मा जो है तापमान बढ़ाने से उसके आकर्षण बल को पार कर जाता है, आकर्षण बल से अधिक हो जाता है। तो उस स्थिति में ठोस के जो कण है स्वतंत्र होकर अपनी गति करने, तेजी से गति करने लगते हैं और उस अवस्था से दूसरी अवस्था में, कोष से द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। तो जब जिस तापमान पर कोष के कण कोष अवस्था से द्रव अवस्था में बदलते हैं वह तापमान उसका गलनांक कहलाता है। और यह क्रिया ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को संगलन कहते हैं, पिघलना कहते हैं इसको। यानी वह तापमान जिस पर ठोस के कण जो है अपने आकर्षण बल को पार करके वो अपनी अवस्था बदलने लगते हैं, जिस तापमान पर वो अपनी अवस्था को बदलते हैं वह निश्चित तापमान उस ठोस का गलनांक कहलाता है। और यह क्रिया जो है उस ठोस के लिए संगलन की क्रिया या पिघलना क्रिया कहलाती है। जैसे बर्फ, बर्फ क्या है, ठोस है, तो बर्फ जो है 273 केल्विन, ये 273 केल्विन जब इसका तापमान दिया जाता है तो ठोस जो है अपनी अवस्था को बदल देता है, यानी इस अवस्था से ये द्रव अवस्था में बदल जाता है। इस तरह बर्फ का जो गलनांक होता है वो 273 केल्विन होता है। केल्विन जो है तापमान का एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। वही यदि इसको हमको अगर सेल्सियस में बदलना होगा कि बर्फ का गलनांक डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो हम केल्विन में से हम 273 को घटा करके हम उसको डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। यानी बल्ब का गलनांक जो हो गया यहां पर केल्विन में 273 केल्विन हो गया और उसका डिग्री सेल्सियस में कहा जाएगा निकालने के लिए, तो हम केल्विन में से 273 घटा देंगे तो जो बचेगा वो डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। यानी यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो बर्फ का गलनांक होगा, ये केल्विन गलनांक हुआ और ये डिग्री सेल्सियस में। इस तरह हम देखते हैं कि तापमान कैसे बदल रहा है, तापमान बदलने से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदल रहा है। एक बात और है कि यदि कोई पदार्थ एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में बदलता है तो उसके कणों की जो दी गई ऊर्जा जो है
कब तक स्थिर रहती है, उसका तापमान तब तक स्थिर रहता है जब तक वह पूरा का पूरा पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में नहीं बदलता। तो वह दी गई ऊष्मा कहां चली जाती है, जो हम बार बार उसको ऊष्मा दे रहे हैं और ठोस का जैसे पान ठोस को हम द्रव बदल रहे हैं, तो देख रहे हैं कि वह 273 डिग्री ही है जब तक कि वह पूरा ठोस का द्रव भी नहीं बदलता है। तो वह जो ऊष्मा कहलाती है वह ठोस के कणों को आकर्षण बल को तोड़ने में लगी रहती है जब तक वो पूरा का पूरा ठोस द्रव में नहीं बदलता। तो इस ऊष्मा को, इस ऊर्जा को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये हो गया हमारा ठोस से द्रव में पूरा। जब भी हम उस द्रव को, फिर जब द्रव सामने आ जाता है और उस द्रव को पुनः ऊष्मा देना शुरू करते हैं, तो अब वो ऊष्मा जो है धीरे धीरे द्रव का ऊष्मा जो बढ़ते जाती है और एक निश्चित ताप पे ऐसी स्थिति आती है कि वह द्रव का तापमान एक निश्चित हो जाता है। और उस निश्चित तापमान पर क्या होता है कि द्रव के कण भी अपनी अवस्था बदल लेते हैं। वह अवस्था जिस वह अवस्था उसका वह टेम्परेचर उसका जो उस पदार्थ का उस गलनांक होता है, जैसे पानी से गैस का बनना, यदि पानी को हम ऊष्मा देंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो पानी जो होगा वह उबलने लगेगा और उस उबलने लगेगा और वह जब तक उबलेगा जब तक वह पूरा का पूरा पानी जो है गैस के रूप में नहीं बदल जाता है। और यह जो है, यह जो टेम्परेचर होता है उसका गलनांक जो होता है 0-100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी जो है 100 डिग्री सी पर अपनी द्रव अवस्था से पूरा गैस की अवस्था। इस तरह हम देखते हैं कि पदार्थ जो है कि तापमान के द्वारा अपनी अवस्था को बदलता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो कि अपनी ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं और फिर गैस से पुनः ठोस अवस्था में चले जाते हैं। तो इस स्थिति को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जैसे अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड जो है एक ऐसा है यदि उसको तापमान देंगे तो वह द्रव की अवस्था में नहीं बदलता है, वह ठोस से गैस में बदलता है। तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किस तापमान पर कोई ठोस सीधे ठोस से गैस की अवस्था में बदल जाता है, पुनः गैस से ठोस की अवस्था में, गैस से पुनः ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह उसका क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यह हुआ हमारा तापमान का, यानी तापमान के द्वारा हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। दूसरा है दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के मध्य की जो दूरी होती है, कोई भी कण है, पदार्थ का कोई भी कण है, उनकी दूरी भिन्न भिन्न होती है। ठोस पदार्थ के कणों की दूरी कुछ बहुत नजदीक होती है, द्रव के कणों की दूरी कुछ सबसे अधिक होती है और गैस के कण की दूरी बहुत होती है। इस आधार पर हम उसके कणों के बीच की दूरी के आधार पर हम पदार्थ की अवस्था को में अंतर देखते हैं। तो दाब परिवर्तन के द्वारा भी जैसे हम देखते हैं कि सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है वो उच्च दाब पर संपीड़ित करके उस एक छोटे से सिलेंडर में गैस को भर दिया जाता है। तो इस तरह दाब को बढ़ाकर और तापमान को कम करके हम उसकी अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको क्या करते हैं उच्च दाब पर संपीड़ित करके हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं, गैस से ठोस की अवस्था में बदल देते हैं। अर्थात दाब को बढ़ाकर और घटाकर हम भी इसको क्या करते हैं पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। वही यदि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर अगर एक वायुमंडल दाब कर दिया जाए तो वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है सीधे अपनी गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था से गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक शुष्क ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में माना जाता है।
तो आज हम लोग पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन में ताप परिवर्तन और दाब परिवर्तन के प्रभाव को देखे कि ताप परिवर्तन और दाब को परिवर्तन के द्वारा हम पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरी बात और देखिए कि तापमान को हम सुनते हैं कि केल्विन, उसका टेम्परेचर जो है केल्विन होता है, ऐसा एक मात्र केल्विन है और डिग्री सेल्सियस भी होता है। तो यदि हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा तो हम केल्विन में से 273 को घटा करके हम डिग्री सेल्सियस से बदल सकते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस को अगर हमको केल्विन में बदलना होगा तो हम डिग्री सेल्सियस में 273 को जोड़कर उसको केल्विन में बदल सकते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग यही देखें कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में तापमान